चाय बनवा के अब खुद सो गए हैं। ये लो अपनी चाय, थोड़ी देर पढ़ाई पे एहसान कर दिया करो। सो गाइस फाइनली हमारा नाश्ता तैयार हो गया। हम फोन कहाँ सेट करें, कहाँ से यहाँ से बॉक्स में। पहले कहते थे हींग लगी ना फिट करी रंग चोखा, मगर हमारे छोलों में हींग के साथ में छोले मसाला पड़ेगा और रंग आएगा चोखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Hey guys, good morning and welcome back to my new blog. कैसे हैं आप सब लोग? तो फिलहाल अभी हम आ गए किचन में, बनाते हैं चाय। तो कचल की चाय तैयार हो रही है बनके, तब तक हमने अपने लिए गुनगुने पानी में शहद मिला के तैयार कर लिया है, क्योंकि हम सुबह सुबह यही पीते हैं। तो चाय भी रेडी हो गई, तो चलिए इसको भी उतार ही लेते हैं। तो चलिए गाइस कचल की चाय भी जल्दी से दे आते हैं। ये देखिए हमसे खुद चाय बनवा के अब खुद सो गए हैं। ये लो अपनी चाय। चाय की स्मेल से ही तुम्हें नींद आने लगती है क्या? ये लो, ये रखिए आपके। इन्हें देखिए गाइस, ये शैतानी देने लगी। इनका अब ऐसा लग रहा है कि उनको बाहर निकाल लिया जाए, रात भर हमें बहुत देर हो गई। बेटू क्या कर लियो? हाँ तुमको बाहर आना है, आ जाओ। बाहर आओगी? अच्छा मेरा आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आपने इंडियन मॉम्स का मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल देखा है, इंडियन वर्किंग मॉम्स का मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल देखा, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इंडियन यूट्यूबर मॉम्स का मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल। भाई उनके बारे में तो पता चले कि लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोग लगता है कि ब्लॉगिंग करना बहुत ईजी है, और मॉम्स का तो ब्लॉगिंग करना बहुत ईजी है, दिन भर सुबह से शाम तक जो करो वो शूट करो और डालो। लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंडियन मॉम्स का, और जो यूट्यूबर्स होती हैं उनका, कि वो जब ब्लॉगिंग करती हैं तो ब्लॉगिंग के साथ में अपने काम को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर। सो गाइस आज हमने ये पोहा सुबह भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छे से भीग गया है, तो आज नाश्ते में पोहा बनाया जाएगा। और फिलहाल अभी हम कर रहे हैं घर की सफाई, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे घर के फ्रंट में एयरपोर्ट भी है और हाईवे भी है, तो इसलिए गंदा बहुत हो जाता है, पूरे घर में काफ़ी डस्ट हो जाती है, तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे इसको साफ करना पड़ता है। तो फिलहाल सफाई हो गई, इसके साथ ही साथ बार बार हम देख रहे हैं कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी कंपल्सरी है। और ये सारी सफाई हो चुकी है, बट अभी मेरा डाइनिंग एरिया रह गया है, और डाइनिंग एरिया तो हमें रेगुलर 2 से 3 बार साफ करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है डस्टिंग की वजह से अगर खाने वाने में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। सो गाइस नाना धोना हो गया, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में कूद रहे हैं बहुत जोर जोर से चूहे, कि हम बहुत देर के उठे हुए हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। तो ये कैमरा नहीं सेट हो रहा, ये भी करना पड़ता है यूट्यूबर्स को। अच्छा कल रात में दूध काफी लेट लेकर आए थे, इसलिए ये अच्छे से बॉईल नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, इसे हम अभी बॉईल कर लेते हैं, वरना जो है देव को क्या देंगे पीने के लिए। और अभी हम पोहे की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ये मूंगफली के दाने जो है वो अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, और इसी के साथ में अभी रोस्ट हो गए हैं। अब हम बनाएंगे हमारा पोहा। तो हमने ये हींग डाल दिए, हींग और राई से हमने पोहा छौंक रहे हैं, क्योंकि राई जो होती है इससे पोहा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो हमारे मसाले पड़ गए हैं सारे, अब हम इसी के साथ हमारे टमाटर डाल देंगे, और टमाटर को गलाने के लिए इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि वो भी कंपलसरी है, नमक के बिना टमाटर अच्छे से गलेंगे नहीं। तो नमक पड़ गया, अब अच्छे से टमाटर मैश कर लिए हमने, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा सूप पोहा और अच्छे से इसको मिलाएंगे। तो ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, तो वाह कितना अच्छा कलर आया है। तो यही है हमारा आज का ब्रेकफास्ट का मेन्यू, और ये हमने इस पे डाला है ऊपर से मैगी मसाले, क्योंकि मैगी मसाले का फ्लेवर जो है वो हम लोग को बहुत पसंद आता है पोहे में। तो फिलहाल हमारा पोहा रेडी हो गया है, हमारे मूंगफली के दाने बस रह गए हैं, वो भी डाल देंगे तो हमारा पोहा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो देखिए गाइस फिलहाल अभी हो गया है रेडी। तो
हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, और जब तक हमारा ये इधर पोहा बनेगा तब तक हम देव का दूध ठंडा कर लेंगे। तो एक ग्लास में हम दूध डालेंगे जल्दी से, और उसमें डाल देंगे देव के लिए हॉर्लिक्स, क्योंकि देव बिना हॉर्लिक्स का दूध नहीं पीते हैं। तो अच्छे से मिला लेते हैं, तो जब तक देव पोहा खाएंगे दूध ठंडा हो जाएगा तो वो भी साथ में पी लेगा। ये रहा देव का नाश्ता, तो चलिए इसे हम देव को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से अपना क्लास स्टार्ट होने से पहले इसको फिनिश कर दें। और ये देखिए महाशय कैसे फ़ोन चला रहे हैं। फिलहाल ये रही अचल की चाय, ये भी रेडी हो गई है, और ये हमने अपना पोहा भी प्लेट में सर्व कर लिया है। तो हमारा और अचल का नाश्ता भी अब हो गया है तैयार। तो चाय और पोहा, ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा थोड़ी देर पढ़ लिया को, देखो कैसे पढ़े हो। थोड़ी देर पढ़ाई पे एहसान कर दिया करो। नाना नानी बाबा दादी कहते थे, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और तुमने तो सबकी कहावतें फेल कर दी। तुमने तो ये देखो देखो देखो, तुमने तो कह दिया खेलोगे कूद कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, है ना बेटा? हाँ चलो थोड़ी देर पढ़ाई करो। फाइनली देव की दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए सामने देखो, देव पढ़ो, दिमाग इधर डिस्टर्ब मत करो। हाँ सो गाइज, हमने छोले रात के डिनर के लिए अभी से भिगो दिए ताकि अच्छे से भीग जाएं। और ये रही अचल की चाय जब तैयार हो गई। और आप मेरे घर का हाल देख सकते हैं, पूरे घर में तार फैले पड़े हैं, फिटिंग हो रही है क्योंकि ओरियो ने हमारे घर की सारी फिटिंग काट पीट के फेंक दी है। ये देखिए मैडम बैठी इंतजार कर रही है कि जाओ तुम लोग तो हम फिर से सारी फिटिंग काट देंगे, तुम्हारी अब की बार बहुत पिटाई लगेगी ओरियो। सो गाइज, आपने देखा ओरियो ने पूरे घर की फिटिंग को जो नीचे नीचे जितनी थी सब काट के फेंक दी। और अभी वो कर रहे हैं, जो भैया आए हैं फिटिंग करने, तो उनकी शक्ल ऐसे घूर रही है कि हाँ तुम करो, हम दोबारा आके तुम्हारी फिटिंग सब काट देंगे। सो बेटा कितना वीडियो देखोगे तुम, तो ना वीडियो ही चलता रहता है, गलत बात है ना, थोड़ी देर पढ़ लिया करो देव। देखो देखो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। सेब वगैरह खाने के लिए बनता, सेब तो ऐसे ही काट के दे देंगे। हाँ दे रहे हैं, बस तुम फोन चलाओ ठीक है बेटा। तो गाइस हम फिर से किचन में आ चुके हैं, और बाहर मेरा वीडियो चल रहा है जो हमने अपलोड किए थे उसी का शोर है, टीवी में चल रहा है। खैर हम फोन कहाँ सेट करें, कहाँ से, यहाँ से बॉक्स में, यहाँ से सही है। देखा मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही होता है यूट्यूबर के लिए कि कैमरा परफेक्ट वे में सेट करना। अगर कैमरा नहीं सेट हुआ परफेक्टली तो कोई भी वीडियो कुछ भी ठीक से नहीं आएगा। तो फिर हम यहाँ से कैमरा सेट करेंगे। सो गाइस फिलहाल हम आ गए अब किचन में, क्यों, क्योंकि हम बनाएंगे हमारा खाना। शाम हो गई है तो शुरू करते हैं। तो इतनी तेज लड़का फोन चला रहा है कि उसकी वजह से जो है यहाँ तक आवाज आ रही है। खैर हम बनाते हैं छोले और भटूरे। तो हमारा आज का खाना है छोले भटूरे, तो हम छोले चढ़ा देते हैं। सो गाइस जब आप छोले उबाले तो उसमें नमक के साथ में एक चम्मच छोले मसाला जरूर डाल दीजिए, क्योंकि इसको अगर आप डाल देंगे ना तो जो मसाले का फ्लेवर होता है वो छोले के अंदर तक चला जाता है उबलने की वजह से, जो कि अगर बाद में सब्जी में डालो तो वो मजा नहीं आता। इसलिए जब छोले उबालो तो छोले मसाला थोड़ा सा उसके साथ में एक चम्मच जरूर डाल दो। छोले मसाला डाल दिया, और थोड़ी सी डाल देंगे हींग। हींग भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है जब छोले में अंदर तक पहुंच जाती है, तो हम डाल देंगे उसमें हींग इस तरह से। बस लग हींग लगाई, पहले कहते थे हींग लगी ना फिट करी रंग चोखा, मगर हमारे छोलों में हींग के साथ में छोले मसाला पड़ेगा और रंग आएगा चोखा। ये रहा हमारा दिया। So guys, देखा आपने, ये होती है यूट्यूबर मॉम्स की लाइफ। उन्हें कैमरा भी हैंडल करना है और घर भी देखना है, काम भी करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज आपको इंडियन यूट्यूबर मॉम्स की लाइफ के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे हर चीज मैनेज करती हैं, तो वही मैंने आज आपको दिखाया। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो गाइज? आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अपना आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
बाय।